18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद बेगूसराय पहुंचे बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रैली पर जोरदार हमला बोलते हुए फोटो सेशन बताया। वहीं अरविंद केजरीवाल के बार बार समन पर भी हाजिर नहीं होने पर जोरदार हमला बोलते हुए इसे अरवन नक्सली से जोड़ा। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा 17 माह में विकास करने और बीजेपी के शासन में पेपर लीक होने के सवाल पर भी गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, मेरा मानना है ये जो इंडी गठबंधन है ये स्वार्थों के आधार पे गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है और सबके ऊपर लगे आरोपों का गठबंधन है। और पटना से ये फोटो सेशन चला था और धीरे धीरे फोटो सेशन अब अंतिम बॉम्बई में इसका समापन होगा। फोटो सेशन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए हैं और देश नरेंद्र मोदी के लिए, इसलिए फोटो सेशन होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और वो संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते और संवैधानिक संस्थान को वो कभी उसका अनुपालन नहीं करते, तो ये मेरे लिए लगता है समाज के लिए एक अनुकरणीय नहीं होता अगर ये संवैधानिक पद पर बैठ करके। मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, गृह मंत्री पहले भी वहाँ गृह मंत्री थे, कितने बार पूछ हुआ होगा, गए होंगे, कभी हो हल्ला नहीं किया, कभी किसी के सम्मान का इनकार नहीं किया। ये एक तरह से इनका ग्रुप ही अर्बन नक्सलाइट का सोच रखने वाले लोग, ऐसे सोच से समाज नहीं चलता है। संविधान की गरिमा का पालन करना केजरीवाल का कर्तव्य होता है, लेकिन ये पालन नहीं कर रहे। मुझे लगता है तेजस्वी जी जबरदस्ती उपलब्धियों को, ये तो आज तक नहीं बताते हैं कि हम 1.5 साल रहे तो 5 विभाग में क्या किए, कितनी नौकरियां दी। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है ये बताएं। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह को अपने ही संसदीय क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा था। दरअसल भाजपा नेता गिरिराज सिंह अपने समर्थकों के साथ बछवाड़ा में एक कार्यक्रम में जा रहे थे। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ही गिरिराज सिंह को काले झंडे दिखाकर उनके काफिले को रोक दिया गया। गिरिराज सिंह का उस वक्त विरोध हुआ जब वो बछवाड़ा प्रखंड के लोहिया मैदान में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। कई योजनाओं का शिलान्यास भी उनके हाथों किया जाना था। उसी वक्त रानी 3 के समक्ष काफी संख्या में लोग जमा हो गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह वापस जाओ के नारे लगाए। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।